आप देख रहे हैं अपना समाचार। लोगों ने मेरा नाम पुकारा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सबको हेलो भी किया। तो प्यार तो जो कि हमेशा मिलता है पब्लिक से, सो अभी देखते हैं आगे और कितना मिलता है। फ्रेंड्स की जहाँ तक बात है, वो तो हमेशा चाहेंगे कि मैं और बेहतर करूँ और उमदा काम करूँ, तो नुक्स तो निकालेंगे हर चीज़ में, और उस पर मैंने ध्यान दिया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से उनको शायद पसंद आई है ये चीज़ मेरी मेहनत के बारे में। और जहाँ तक रही फैंस की बात है, तो रानी जी हैं, अंजना जी हैं, मनोज जी हैं, इनके फैंस अब मेरे फैंस में तब्दील हो जाएंगे, मेरा यही प्रयास है और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने आप सभी से, सभी जानते भी हैं कि मैं इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग किरदार होता है अपने आप में ही। मेरे कैरेक्टर का नाम दुर्गा है इस फिल्म में। चूँकि चोर बने हैं आकाश जी, तो डेफिनेटली पुलिस तो मैं ही रहूँगी हमेशा, क्योंकि पकड़ा पकड़ी का खेल बहुत अच्छा है। पकड़ा पकड़ी का खेल है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी इस तरह के किरदार किए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे रहकर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक भी चल रहा है, मतलब मेरे शेड्स भी हैं इसमें पुलिस के अलावा, तो मिक्स है जो काफ़ी मज़ेदार, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उस कैरेक्टर को। एक्चुअली पूरी है, क्योंकि देखिए दिल चुराना भी एक चोर होता है, ऑडियंस के मन को चुराना भी चोर होता है, तो वैसे चोरों से तो रोज ताल्लुक पड़ता है मेरा, इसमें कोई नहीं बात। कहना चाह रहे हैं कि कई लोग इनका दिल चुराते हैं। एक दिन से दो शिकार कर रहे हैं आप जी, तीन। तीसरा कौन है? अरे स्पेशल अपीयरेंस में भी लोग आते हैं। चोर पुलिस के बाद साथ निभाई सजनवा हमार है, और हमसे ना टकराना है, और एक और फिल्म जिसके बारे में हम डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करेंगे। हम साथ में नजर आएंगे, हम साथ में नजर आएंगे, और वो बहुत एम्बिशियस फिल्म है। तो ये तीन फिल्में इस साल मुझे उम्मीद है कि प्रदर्शित हो जाएंगी, कि इसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो देखी शुरू से है, जब पटकथा लिखा गया था और जब उसकी आखिरी सीन को हमने दर्शाया था, तो उनकी राय प्रतिक्रिया इस फिल्म के प्रति जो है, वो तो एक बाप होने के नाते है, लेकिन एक फिल्मकार होने के नाते भी है। और अगर आप फिल्म जाके देखेंगे, ना ही उसमें अश्लीलता है, और ना ही ऐसा है कि उनके पुत्र इस फिल्म में कर रहे हैं तो सारा रोल वही कर रहे हैं, सारे गाने वही गा रहे हैं, कॉमेडी भी वही कर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बड़े बड़े नामों को इसमें इकट्ठा किया है, और वो आए हैं, और वो खुद ही साक्षी होंगे इस बात के कि उनका काम कितना निखर के आया है। अगर आप अच्छे अभिनेताओं को लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैसे रोल लिखने होंगे, चाहे वो रानी हो, चाहे वो अंजना हो, मनोज जी हो, एस के राजपूत जी हो, जितने भी एक्टर हमारे फिल्म में हैं, उन सबको वो खुद अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि हमने फिल्म मास्टर्स के लिए बनाई है। अगर ये गलतफहमी लोग पाल लें कि कुणाल जी के बेटे हैं, तो उनके हुनर को दिखाने के लिए हुनर तो रखना ही होगा उस फिल्म के लिए, वरना लोग नहीं देखेंगे। लेकिन सिर्फ हुनर के को मद्देनजर रखते हुए फिल्म नहीं बनाई गई, ये जनता के आकर्षण, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। हमने यही प्रयास किया।